पिछली कांग्रेस सरकार में लगातार 10 साल तक करनाल से सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे साथ हैं। आज पानीपत में इन्होंने बकायदा मंच से शंख नाद करके ऐलान किया कि 2019 के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। डॉक्टर साहब, हरियाणा में आजकल रथ यात्राएं, साइकिल यात्राएं और रोड शो हो रहे हैं, किन में शामिल होंगे इनमें से? देखिए, हमारा तो प्रोग्राम काफ़ी दिन से था कि भी कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ बैठ करके, मिल बैठ करके चर्चा की जाए, और जो मौजूद हमारे कार्यकर्ता थे उनको हमने आपस में चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए बुलाया था। और लोगों में जोश इतना है, प्यार प्रेम इतना है, आपने भी देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में लोग बाग जो है करनाल के लोकसभा क्षेत्र के हर गांव से, हर इलाके से, चाहे वो जहाँ से, कहीं से 5 आए हों, कहीं से 10 आए हों, कहीं से 100 आए हों, हर इलाके से टच होकर के लोगों ने आना उचित समझा कि कोई ना कोई बातचीत, कोई चर्चा का कोई रास्ता निकलेगा। डॉक्टर साहब, ये तो आज आपने ऐलान कर दिया कि करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे आप, लेकिन ये फैसला लेने में कितना समय लग सकता है कि मेरे को किधर जाना है, किधर रुख करना है? देखिए, अभी चुनाव में समय है और बाकी फैसला कोई भी हो, लेकिन लोगों से बराबर हम संपर्क में हैं, लोगों की समस्याएं भी जान रहे हैं, लोगों की बातें भी हम कर रहे हैं, लोगों से, आम लोगों से। और राजनीति में, समाज सेवा में यही सबसे बड़ी बात होती है कि भी लोगों के साथ संपर्क में रहें। लोग टिकट के लिए दिल्ली का रुख करते हैं, दिल्ली जाते हैं, आपने पब्लिक की तरफ रुख किया और आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है। आप ये मानते हैं कि आपकी ताकत को देख के, आपकी लोकप्रियता, आपकी पहचान को देख के पार्टी वाले खुद आपके पास आए, ये मंशा है? देखो, मैंने कभी घमंड नहीं किया और ना मेरी ऐसी मंशा है कि हम घमंड करें। हमने तो पहले भी, मुझे इस बात में घमंड नहीं है कि लोग दिल्ली की तरफ भागते हैं। हाँ, मैं कार्यकर्ताओं के साथियों की तरफ भागता हूँ, मैं लोगों की तरफ भागता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और लोग बाग चर्चाएं करते हैं, लोग बाग बात करते हैं और पार्टी वाले भी देखते हैं, सारा रास्ता बनाते हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता कि कोई पार्टी वाले मेरे पास आए और तब मैं फैसला करूँ, नहीं। 2019 का चुनाव बहुत टफ और बहुत चैलेंजिंग है, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में सीधा सीधा है। बीजेपी कांग्रेस में से कोई आपके साथ आ सकता है तो उनके बारे में विचार करेंगे, कोई और भी हो सकता है इन दोनों के अलावा? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने मंच से भी कहा कि रास्ते खुले हैं और पूरी कोशिश होगी कि जब कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है कि भी कोई भी, जो भी पार्टी है, जो मैंने बताया कि उस पार्टी में जो हमारे साथियों का विशेष ध्यान रखे, हमारे इलाके का विशेष ध्यान रखे, उस पार्टी में हम चले जाएंगे, उसमें कोई हमारे बंदिश नहीं है, किसी भी पार्टी में जाया जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और रिपीट करने की कोशिश करें, उनका दावा भी है, लेकिन उनके सामने खड़े हैं राहुल गांधी। लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि राहुल, कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी अभी उतने सक्षम नहीं कि मोदी का मुकाबला कर सके, कुछ लोग कहते हैं कि अब मैच्योर हो गए, अब समझदार हो गए, मुकाबला बराबरी का है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, इसमें हर चीज का एनालाइज, हर चीज का जो फैसला है वो जनता करती है, जनता करती है। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 2004 में आए, सबने चर्चाएं की, अच्छे काम अच्छे काम, 2009 में फिर आ गए, इसका मतलब काम अच्छे थे। 2014 में चुनाव हुआ, 2014 में कांग्रेस नहीं आई, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमियां रही। तो ये सारी जो फैसले हैं, लीडरशिप का फैसला और पार्टियों का फैसला, उनके कामों का फैसला जनता करती है, ना कि हम लोग करते हैं। आप 10 साल तक एमपी रहे करनाल क्षेत्र से, करनाल पानीपत के, आपके बाद 5 साल किसी और को मौका मिला है। अब जब जैसे आप अपने लोगों में जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, लोगों की अपेक्षाएं, कितना निराश या कितना प्रसन्न, कितने सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि हम ऐसे ही बैठ करके सरकारों को क्रिटिसाइज करने लग जाएं। सरकारें कोशिश भी करती हैं, कांग्रेस ने भी कोशिश की, बीजेपी भी कोशिश कर रही है, लेकिन मामला, सबसे बड़ी चीज जो है, जो हम देखते हैं, जिसको आज तक कोई समझ नहीं पा रहा है, देश की जनसंख्या, देश की जो जनसंख्या है वो इतनी बढ़ गई है कि आप कितना भी करते जाओ उतना ही थोड़ा है। अब कितनी नौकरियां ले आओ, हर नौजवान को नौकरी नहीं मिल सकती। आज अगर मेरे पास कोई 10 लाख नौजवान है तो मैं 10 लाख को नौकरी दे सकता हूँ। हरियाणा से 3 बार सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा अभी किसी पार्टी में नहीं है, किस पार्टी में जाएंगे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे। कैमरामैन धर्मवीर के साथ वेदर कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।